अगर आप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एनिमल हेल्थ केयर कंपनी ढूंढ रहे हैं तो हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड आपके लिए एक अच्छा पिक हो सकता है, क्योंकि कंपनी एनिमल हेल्थ केयर के साथ साथ इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी रहे हैं और अभी भी वो पोजीशन मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कंपनी का शेयर देखेंगे तो वो भी लगातार अपवर्ड की तरफ मूव हो रहे हैं। और हेस्टर बायोसाइंस के अंदर फ्यूचर विजन बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं और एक्सपेंडेंट का जिस तरह सा मूड है कंपनी का, वो देखकर आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, साथ ही साथ देखेंगे कि बिजनेस ग्रोथ कैसे चल रहा है और कंपनी के अंदर जो एक चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आपको क्या करना चाहिए हेस्टर बायोसाइंस लिमिटेड को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी यहाँ पे जियोग्राफी वाइज अपना जो एक्सपेंशन है वो लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ ही साथ कंपनी का मैन पावर इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन का। और कंपनी का कुछ एक्सपेंशन बहुत ही रिसेंट क्वार्टर में आप देख पाएंगे और फ्यूचर आने वाले एक या दो साल के अंदर और भी कंपनी के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। अभी लेटेस्ट क्वार्टर का बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 का क्वार्टर 3 का आप कंपैरिजन करेंगे तो रेवेन्यू के अंदर आपको जस्ट 2% का ही ग्रोथ दिखाई देगा, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर -21% का डीग्रोथ आप यहां पे देख पा रहे हैं। लेकिन पिछले 9 महीने के आप कंपेयर करते हैं तो 16% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट के अंदर 11% का ग्रोथ आप यहां पे देख पा रहे हैं। अगर आप हेस्टर बायोसाइंस का क्वार्टरली आपका जो डोमेस्टिक ग्रोथ आप देखेंगे तो यहां पे 3% का दिखाई देगा, लेकिन 9 महीने के कंपेरिजन आप करते हैं तो वहाँ पे 24% का डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ग्रोथ आप देख पा रहे हैं। अभी एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे क्वार्टर 3 में यहाँ पे 88% का ग्रोथ दिखा चुके हैं। अभी 9 महीने का एक्सपोर्ट के आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 14% का ग्रोथ यहाँ पे है। हेस्टर बायोसाइंस का जो बिजनेस है उसका डिवीजन दो तरीके से डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे पोल्ट्री हेल्थ केयर, जहाँ पे कंपनी वैक्सीन सप्लाई करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एनिमल हेल्थ केयर, जहाँ पे कंपनी एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का और एक सर्विसेज से भी कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू अर्न होता है, जो सर्विस कंपनी प्रोवाइडेड करते हैं उसी के साथ कंपनी कुछ लाइसेंस भी देते हैं। तो पोल्ट्री हेल्थ केयर के अंदर यहाँ पे 5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे क्वार्टर वाइज ग्रोथ दिखा चुके हैं। और एनिमल हेल्थ केयर जहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी को फ्यूचर में, और कंपनी बहुत सारा रिसर्च भी कर रहा है एनिमल हेल्थ केयर के अंदर, वहाँ पे 25% का ग्रोथ दिखा चुका है। अभी 9 महीने का कंपेयर करते हैं तो पोल्ट्री हेल्थ केयर के बिजनेस के अंदर भी 23% का ग्रोथ और एनिमल हेल्थ केयर के अंदर भी 23% का ग्रोथ हेस्टर बायोसाइंस ने यहाँ पे दिखा चुके हैं। लेकिन सर्विसेज के अंदर कोई भी यहाँ पे रेवेन्यू अर्न नहीं किया है, वो भी कोविड के कारण यहाँ पे मेंशन कंपनी ने कर चुके हैं। और ये जो लाइसेंस फीस एंड सर्विसेज के कारण कंपनी यहाँ पे कोई भी रेवेन्यू अर्न नहीं कर चुका है, इसी के कारण कंपनी का जो मार्जिन देखेंगे वो 6% गिरते हुए आपको दिखाई देगा। तो यही एक कारण के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरते हुए आपको दिखाई दे रहा है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप। अगर आप हेस्टर बायोसाइंस के अंदर प्रोडक्ट वाइज कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो बेसिकली ये दो तरीके से आता है। फर्स्ट हो जाता है वैक्सीन एंड दूसरा होता है हेल्थ प्रोडक्ट। तो वैक्सीन के अंदर कोई भी ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखा चुका है। उसका रीजन यहाँ पे नीचे कंपेयर ने डिस्क्राइब करके बताया है कि पोल्ट्री हेल्थ केयर जो सिचुएशन है वो इस ईयर में बेटर दिखाई दे रहा है, इसी के कारण यहाँ पे कोई भी ज़्यादा वैक्सीन का जरूरत इस पर्टिकुलर ईयर में जरूरत नहीं पड़ा है। लेकिन हेल्थ प्रोडक्ट के अंदर जिसका डिमांड आगे भी बढ़ता रहेगा और कंपनी जहाँ पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं वहाँ पे 42% का ग्रोथ दिखा चुके हैं। वे 9 मंथ का कंपेयर करेंगे तो दोनों सेक्टर के अंदर यहाँ पे अच्छा तरह से ग्रोथ दिखा चुके हैं। तो अभी बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का, जहाँ पे मेन चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो वो है कंपनी के ऊपर मार्जिन। आप पूरा मार्जिन यहाँ पे एनालाइज करते हैं तो जो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है वहाँ पे 10% का नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। इवन ईबिटा मार्जिन भी देखेंगे तो क्वार्टर वाइज वो भी 10% गिरते हुए आपको दिखाई देगा। इवन नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वहाँ पे भी 5.61% के गिरावट देख पा रहे हैं। इवन आप 9 मंथ का भी कंपेयर करेंगे ना तो हर जगह मार्जिन के ऊपर प्रेशर कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है हेस्टर बायोसाइंस के ऊपर।
तो फ्यूचर में हेस्टर बायोसाइंस के अंदर ये मार्जिन का जो इम्प्रूवनेस है, मार्जिन का जो सुधार है वो होता है, तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव आपको लगने वाला है। तो उसके बाद मैं सबसे पहले बता दूं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो एक तंजानिया के अंदर बिजनेस है, जो अफ्रीका का मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक डोमेस्टिक बिजनेस है, साथ ही साथ कंपनी का नेपाल के अंदर भी बिजनेस फैला हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीकन मार्केट की। तो अफ्रीकन मार्केट के अंदर रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे जो वैक्सीन फॉर प्लेग है उसके ऊपर काम कर चुके हैं, और वो जो फर्स्ट बैच का प्रोडक्शन है वो भी कंपनी बाजार में लॉन्च कर चुका है। उसका रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया आ रहा है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ अब आगे ना बोले कुछ क्वार्टर के अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पे जो और एक वैक्सीन का काम चल रहा है जो है CBPP, जो कैटल रिलेटेड डिजीज को टेक केयर करते हैं। और कंपनी का विजन है कि तंजानिया के थ्रू जो अफ्रीकन मार्केट है उसके अंदर एक लीडिंग जगह बनाने के लिए, और इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे भी हेस्टर बायोसाइंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जब बात करें नेपाल का, कुछ दिन पहले नेपाल के अंदर कोविड के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन वो हालत सुधरते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो PPR वैक्सीन ये सब Q4 2022 तक लॉन्च हो जाएगा नेपाल के अंदर, तो उसका जो टर्नओवर है वो आगे आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको और एक बात भी जान लेना चाहिए, रिसेंटली जो कंपनी ने एक पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर किया है टेक्सास लाइफ साइंस, तो उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दिखा चुका है, और ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कंपनी बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी करते हैं। अगर आप हेस्टर बायोसाइंस का एनुअल रिपोर्ट व प्रेस रिलीज व इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप डिटेल्स में देखते हैं, कौन कल को सुनते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी बहुत सारा पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारा वैक्सीन के अंदर काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारा प्रोसेस में है जो आगे आने वाले दिनों में कंपनी कंप्लीट करेगा, तो फ्यूचर में इसका बहुत डिमांड बढ़ने वाला है। तो इंडिया के अंदर कुछ जो कॉमन डिजीज है जैसे लंपी स्किन डिजीज, यहाँ पे क्लासिकल स्वाइन फीवर, इसके अंदर भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और फ्यूचर में बहुत सारा जो प्रोसेस में है वो भी कंप्लीट करेगा, कुछ पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी कंप्लीट करेगा, तो आगे ना बड़े कुछ 2 या 3 क्वार्टर के अंदर ही कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी इसके अंदर रिसर्च करने की सोच रहे हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये पर्टिकुलर शेयर है तो इसको आप डिटेल्स में रिसर्च कीजिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ कंपनी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, और आगे भी फ्यूचर में इसके ऊपर मैं डिटेल्स में और एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको और एक बात बता दूं कि कंपनी यहाँ पे कोविड का जो वैक्सीन है उसके ऊपर भी कामकाज कर रहे हैं। जो कंपनी का प्लान है वो 7 मिलियन डोज पर मंथ यहाँ पे कंपनी सप्लाई करने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है हेस्टर बायोसाइंस के ऊपर। जो एक प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर वो है मार्जिन का प्रॉब्लम, उसको थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए, उसके बाद ये पर्टिकुलर कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा, ये मेरा मानना है। तो अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।